नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एक आवारा परिंदा और आज निकल चुका हूँ शाहजहांपुर के लिए। देखिए मैं और मेरी ये कार, चूँकि आप जानते हैं कि मैं जहर मुक्त खेती पे काम करता हूँ, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, वेट केयर और पर्सनल केयर, तो इसमें बहुत सारे किसानों से अब गन्ने की बुआई शुरू हो रही है, तो आज जा रहा हूँ। आज पूरे दिन का शेड्यूल बिजी है, आज मीटिंग करेंगे। अब मैं कैमरा बैक करके आपको दिखाता हूँ, ये है मेरी कार और मैं अब निकल रहा हूँ अपनी विजिट के लिए। अब चूँकि आज दिन भर का कार्यक्रम है, दो तीन दिन मैं रुकूँगा, तो जो साथी जो है शाहजहांपुर के हों, पवाया के हों, खुटार के हों, जो साथी मिलना चाहते हों या जो साथी इस मिशन में जुड़ करके अपना भी करियर बनाना चाहते हों, वो साथी निश्चित रूप से हमसे मिल सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों। वो साथी पवाया के और खुटार के और शाहजहांपुर के, गोला के आसपास के हों, वो साथी मिल करके जो चाहते हों अपना करियर बनाना और मिलना चाहते हों, वो हमारे नंबर पे फ़ोन करके हमसे मिल सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। खटीमा से पूरनपुर जब हम जा रहे होते हैं तो सुरई रेंज और टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व जो है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व से हमें होके गुजरना पड़ता है। देखिए इस जंगल से चारों तरफ घनघोर जंगल, यदि आप नए होंगे तो डर जाएंगे, क्योंकि हम लोगों का रास्ता ये है, इसलिए हम लोग इसे निकलते हैं रात को नहीं, लेकिन दिन में इसे आना जाना हम लोगों का होता है। जंगल से बाहर निकलते समय ये बंदरों को मैंने चना दिया, आज चूँकि शनिवार का दिन था तो इसलिए चना खिला रहा हूँ बंदरों को। नमस्कार साथियों, आज दिन भर तमाम किसानों से मिलना हुआ और मिलने के बाद मीटिंग्स हुई, कुछ फुटेज में दिखाऊंगा आपको। और मीटिंग वगैरह करने के बाद आज हम रुके हैं शाहजहांपुर में। शाहजहांपुर के शहीद पार्क में हैं, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया डेवलपमेंट टाउन हॉल पे कर रखा है इन्होंने। ये देखिए ये पानी गिर रहे हैं और रोशनी बहुत ही अच्छी, और पार्क को भी मैं दिखाऊँगा कि पार्क बहुत ही बढ़िया इन्होंने बना रखा है। साथ में आइए और दिखाता हूँ आपको। ये एक आपने झरना वहाँ देखा और एक ये है, एक सामने मैं दिखाता हूँ, एक तो वो पानी गिर रहा है और एक ये देखिए। शाहजहांपुर में के शहीद पार्क में बहुत ही बढ़िया लाइटिंग वगैरह की व्यवस्था है, घूमने की व्यवस्था है। यहाँ आप आते हैं देखिए कितना शानदार व्यवस्था कर रखी है। शाम को हम लोग जस्ट 8:30 का समय है और हम लोग निकले हैं टहलने के लिए। दिन भर कार में चलते चलते बैठे थे और मीटिंग्स हुई और अब देखिए घूम रहे हैं। ये शहीद पार्क में हम अभी हैं, अमर शहीद डॉक्टर रोशन सिंह के यहाँ की मूर्ति के यहाँ। ये देखिए ये हैं आप, जो बताया जाता है कि जो काकोरी कांड हुआ था उसके नायक हैं ये लोग। देखिए 1921 में असहयोग आंदोलन से देश स्वतंत्रता संग्राम सारी निशेदारी की बदली जाने वाले सत्याग्रहियों का नेतृत्व 2 वर्ष की कैद की सजा काकोरी पर्यंत 9 अगस्त 1925 में गिरफ्तार इलाहाबाद नैनी जेल में 19 दिसंबर 1927 को ब्रिटिश हुकूमत द्वारा फांसी पे लटका दिया गया। ये शहीद है। सत नमन इन लोगों को, राम प्रसाद बिस्मिल जी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी, और इनके बारे में देखिए, जन्म 11 जून 1897 आर्य समाज से प्रभावित क्रांतिकारी दल के सदस्य बनकर उत्तर भारत में सक्रिय थे, और इनको भी 9 अगस्त 1925 को काकोरी के निकट सवारी गाड़ी पर सरकारी खजाने की राजनीतिक लूट का नेतृत्व, और 26 सितंबर 1925 को गिरफ्तार, 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में फांसी, बलिदान के 3 दिन पूर्व फांसी घर में बैठकर क्रांतिकारी जीवन के अनुभवों का आत्मक कथा के रूप में लेखन। वाह कितने धन्य हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, जितना है। इनकी ही लिखी हुई है, देखिए लिखा भी है नीचे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। धन्य है ऐसे जाबाज वीर, और धन्य है इनके लोग, इनके टीचर्स और इनके माता पिता। देखिए ये सुरेश खन्ना जी का विधानसभा क्षेत्र है, ये तरणताल जो अभी शुरू नहीं हुआ है और बन के तैयार है, बहुत जल्दी शुरू होगा।
दास्ताए तमन्नाए सरफरोजी सरफरोशी। वाह, रात को 9 बजने के आसपास हैं हम लोग पार्क में, 9:30 बजे का टाइम हुआ है। और ये देखिए बहुत अच्छा लाइटिंग और बहुत अच्छा प्रयास सुरेश खन्ना जी ने जो इस शहर के लिए किया है, अपने विधानसभा क्षेत्र में इन्होंने बनवाया है। कहा जाता है कि कभी यहाँ कूड़े का ढेर लगता था और आज देखिए बहुत ही बढ़िया इन्होंने बनाया है। आगे शहीद स्तंभ है, वहाँ भी मैं दिखाऊंगा आपको।